आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी फरियाद, निस्तारण के दिए आदेश। अपने पालतू श्वान कालू और गुल्लू को दुलारा, उसके पश्चात अयोध्या को हुए रवाना। राप्ती नदी में नहाने गए 3 युवकों में से एक बीटेक के छात्र की नदी में डूबकर हुई मौत। एनडीआरएफ की टीम ने शव को किया बरामद, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री व मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन सलमान खुर्शीद ने घोषणा पत्र संवाद कार्यक्रम में जनपद के 9 विधानसभा के किसान, मजदूर, चिकित्सा सहित तमाम संगठनों के पदाधिकारियों से लिया सुझाव व फीडबैक। आशा वर्कर, अधिवक्ता सहित तमाम संगठनों ने सौंपा मांग पत्र। मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन ने कहा, मांग पत्र को कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल कर लड़ा जाएगा 2022 का विधानसभा का चुनाव। महानगर के विभिन्न हिस्सों में हुए जलभराव का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। कहा, पंपिंग सेटों और वाटर शॉक मशीनों से कराया जा रहा है जल निकासी, जल्द मिलेगा जलभराव से निजात। कोविड प्रोटोकॉल के तहत 30 अगस्त को रिजर्व पुलिस लाइन में धूमधाम से मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। एसपी लाइन एवं एसपी ट्रैफिक ने दी जानकारी। 26 सितंबर से महानगर में दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर करेंगे बसों को रवाना। महेश्वरा में चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार, नगर आयुक्त ने की समीक्षा बैठक। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर रविवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। 2 खिलाड़ियों को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सपा के द्वारा खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के तत्वावधान में शास्त्री चौक से अंबेडकर चौक तक निकाला गया दलित स्वाभिमान यात्रा। कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया समाज में समानता का अधिकार। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में 14 वर्षीय लड़कों के हॉकी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 6 टीमों ने किया प्रतिभाग। स्टेडियम गोरखपुर ने जीता फाइनल मैच। विजयी टीम और खिलाड़ियों को महापौर ने किया सम्मानित। गोरखपुर में रविवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,393। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 13 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीए एवं एमए की प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में हुई संपन्न। कुल 11,277 अभ्यर्थी थे रजिस्टर्ड, 9,970 अभ्यर्थी हुए शामिल, 1,307 ने छोड़ी परीक्षा। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राधा कृष्ण के रूप में लड़कियों ने किया मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति। पर्व को धूमधाम से मनाने की कही बात।